तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज आ चुके हैं हम लोग नंदन पहाड़, सॉरी पठड्डा पहाड़, जो कि काफी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये स्टार्टिंग में जो तालाब है उसके बाद पीछे साइड जो है वो काफी उधर से खुफिया रास्ता है, जाने टाइम दिखाएंगे आप लोग को। Oh my God! Wow! और ये मस्त सा पहाड़, सुंदर दृश्य, खेतों के रास्ते। अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई करेंगे। यहाँ पे सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है, अपने बल के अकॉर्डिंग ऊपर चढ़ना है। शाबाश बेटा। देखिए अभी स्टार्ट, ये वही बात हो गया इसके साथ। ये देखिए आदिमानव वाले भैया हमारे चल रहे हैं, अब हमको दौड़ के चढ़ना पड़ेगा, एक नंबर गियर लगा दिए हैं। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहू चढ़े और सीन देख रहे हैं। ओ भाई साहब सीन काफी सही है यार, बहुत ज्यादा बल लग रहा चढ़ने में। ये रास्ता काफी भयावह है। कहते हैं ना कि मुश्किलें काफी बढ़ जाती है और ये मुश्किलें हमें मंजूर है, तो बस हम कहते हैं कि इससे हमें मोहब्बत है और इसमें चढ़ने के लिए जो मुश्किलें हैं वो मुझे मंजूर है। काफी बांस और ये काफी चलाया गया था क्योंकि यहाँ पे खाने का कुछ चीज ढूंढा जा रहा था, जिसके बाद से यहाँ पे जला के खाया गया था इसके द्वारा। ये था वो, अबे साले, ये यहाँ के मूल निवासी है, ट्रेवलर गाइड जो है यही करते हैं। जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं सुंदरता उतना ही ज्यादा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ब्लॉक हो गया है, अब आगे कैसे चढ़ना है मैं ये गाइडर बताएगा। तो गाइडर अभी खुद जायजा ले रहा है जगह का, कह रहे ना ये कतई जहर वाला चीज़ है, इस बीज को ना हम भी पी जाए, वो जहर है ये चीज़। ओह माय गुडनेस, क्या नज़ारा है, मज़ा आया, क्या नज़ारा है यार, काफ़ी सही चीज़ है। अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर बताओ भाई कैसा लग रहा है ये सीन। इधर फिर नदी है आगे से, तो यहाँ पे काफ़ी सही नज़ारा हो जाता है जब बारिश का मौसम हो जाता है, तो उधर से ही वो बारिश के पानी बूंदे ठीक है वो इधर से चलती है, और यहाँ पे जो खूबसूरती है वो देखने में एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है कि भाई वो कैसे ये खूबसूरती हो सकती है। और इस बीच में एक छोटा सा गाँव यहाँ पर बसा हुआ है जो कि पठड्डा के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर गाँव है, मिल गया जो कि साइड से एक है। मैंने कहा ही था कि जायजा वो ले रहा, वो बता देगा फिर से। अब हम लोग यहाँ से इस रास्ते से काफ़ी जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है, बट कोई नहीं हम लोग चलेंगे, यहाँ पे मौसम काफ़ी सही रहता है हमेशा। और ये देखो यहाँ पे वो अब यहाँ काफ़ी सकरा रास्ता हो चुका है और छोटी छोटी से जो चट्टाने हैं उसके बीच से हमें होके गुजरना है। और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से अगर थोड़ा सा गए तो पूरा गिर जाओगे खाए में। फाइनली एक छोर पे आ चुके हैं, आओ ना यहाँ से वो नजारा मिलेगा। यहाँ से देखो बताओ ये कैसा लग रहा है। Oh my God! ये देखो पैरेलल पे आ चुके हैं, बन के आ गया, ये भीम का पैर नहीं है, अगर किसी को लग रहा है तो बता दें। वैसे यहाँ पे इस पहाड़ पे भीम जो कि महाभारत काल से थे, महाभारत काल चुके नहीं है, एक हमारा महाकाव्य है उससे संबंध रखता है ये पहाड़। जब वो वनवास के लिए आए थे तो माना जाता है कि वो इस पर्वत पे भी आए थे और निशानी के रूप में उनका एक पांव का जो है निशानी है जो कि बहुत ही विशाल है, और हम उसी की खोज में आज यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर मिल जाए तो आप सबों का भी दर्शन कराएंगे। तब तक कि मैं बात कर रहा जिसे कैमरों में कैद नहीं किया जा सकता, ये वो सुंदरता है। काश अभी आप होते और अपनी नग्न आँखों से देखे होते तो ये नज़ारा आपको और भी खूबसूरत लगता, और भी हसीन लगता। मोहब्बत करने की जो चाह है वो और दुगना हो जाती। ये नेचर, ये प्रकृति कुछ ऐसी ही चीज़ है कि जिसके उसके नहीं, मतलब जितने उसके करीब जाओ ये चाहत और बढ़ती है।
और उसी चाहत की खोज में और उसी चाहत को पाने की लालसा में आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। काफ़ी यहाँ पे मोहब्बत की बातें की गई है पर्वत पे, जो कि दिल बना के कि अपने प्यार को दर्शाने के लिए है। ऊपर जाने का रास्ता तो हमें पता नहीं है, ये अंतिम छोर है जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि वो दूसरा एक यहाँ से कट जाता है, कट लेके वहाँ से बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जिसको वहाँ से पार करना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा समय होगा तो हम लोग वहाँ पे भी चढ़ने का ट्राई करेंगे, जो कि उस पर्वत से होते हुए चलेगा, वहाँ से दिख रहा है ये वहाँ से चढ़ते हुए, फिर इधर से यहाँ से चढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ के बाद का हमें पता नहीं है, एक पीछे का और रास्ता है उधर से, जो गाइड का भी आए हुए हैं पहले, प्रशांत संग पिंकी तो मिट गई, प्रशांत पिंकी का पता नहीं, पिंकी की खोज में, पिंकी का शादी हो लिया। मैं कब हो गया ये? देखो तो किसी को लग पहाड़ है ये, यहाँ पे ना बस जय श्री राम बोला जा सकता है। जय श्री राम।